सो हेलो वेलकम गाइज, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ अच्छे होंगे। गाइज मेरा नाम जतिन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल एरा, और यहाँ पे मिलेगा आपको टेक विद फन। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पे देख लिया होगा, भाई आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। हाँ जी गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नैपचैट की जो कैमियो सेल्फी होते हैं वो परमानेंट डिलीट आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, जो एक स्टिकर चलते हैं स्नैपचैट पे, उसमें आपकी सेल्फी के साथ जो कैमियोज। अरे कहना क्या चाहते हो? जो भाई स्टिकर्स चलते हैं स्नैपचैट पे, उसमें आपकी मतलब सेल्फी यूज होती है, आपकी फोटो यूज होती है, उसके बाद वो स्टिकर भेजते हैं, उसको कैमियोज बोलते हैं। ठीक है, वो भाई मुझे पता है 80% लोग वापस डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि हम लगा तो लेते हैं लेकिन बहुत गंदा दिखाई देता है वो, मतलब हमारे चेहरे को कैसा ही बना देता है गंदा सा। जैसे मैं डिलीट कर रहा था वापस, मैंने सोचा लोगों को भी जरूरत पड़ती होगी। और गाइस साथ ही साथ आपको मैं वो भी बताऊंगा, जो आप मतलब दो चीज़ बताऊंगा, एक वो कैमियोज परमानेंट डिलीट कैसे करें वापस वहाँ से अपनी सेल्फी, नहीं क्योंकि वहाँ से आप चेंज ही कर सकते हो, क्योंकि जहाँ से आपने बनाया ना प्रोफाइल के लास्ट में जाके आप जहाँ से बनाते हो नीचे 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 नीचे, वहाँ से बस चेंज का ही ऑप्शन आएगा या फिर इनेबल टू फ्रेंड्स आएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा भाई, ये वो गलती से हो जाता है जैसे मेरे से हो गया था, तो वो वापस से कैसे आता है इनेबल टू फ्रेंड्स, क्योंकि इससे उसके बाद आपका जो कैमियोज है वो आपके फ्रेंड भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मतलब अच्छी बात नहीं है मेरे लिए। आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो, दोनों चीज़ मैं आपको बताऊँगा कैसे हटानी है। तो गाइस छोटा सा वीडियो होने वाला है, वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, वीडियो को जरूर जरूर एंड तक देखना। लेकिन गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ फन भी मिलता है। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक, वीडियो को उत्तर से कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर जरूर कर देना। अब एक छोटे से इंटर के बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो भाई आज के वीडियो में आपको दोनों प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, एक तो आपने फ्रेंड्स के साथ इनेबल कर दिया है कैमियोज को, उसको वापस से कैसे हटाना है। ठीक है, आप चाहो तो रख सकते हो, आपने किया होगा, मेरे जैसे गलती से हो गया था वापस हटाना था, क्योंकि उसके बाद हमारे कैमियोज अपने फ्रेंड्स भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा भाई, कैमियोज को परमानेंट डिलीट कैसे कर सकते हो। ठीक है, अपने स्टिकर्स होती है अपने फेस के साथ, आपने देख ली होगी स्टार्टिंग में मैंने दिखाई थी। ठीक है, तो भाई वो आप कैसे परमानेंट डिलीट कर सकते हो, दोनों स्टेप बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा फ्रेंड्स के साथ मतलब शेयर वाला कैसे बंद करना है, और दूसरा डिलीट वाला कैसे करना है। तो गाइस ये दोनों प्रोसेस आपको मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे जाके दिखा देता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाए। तो हम मिलते हैं डायरेक्ट वीडियो के एंड में। चलिए गाइस, जब हम मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं तो भाई सबसे पहले आप अपने फ़ोन को रोटेट कर लो, कि जिसे आपको सही से दिख जाए और सही से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम स्नैपचैट को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद भाई आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ऊपर जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करते हो तो आपको नीचे नीचे जाना है, यहाँ पर भाई चेंज कैमियो सेल्फी एक ही ऑप्शन आ रहा है, डिलीट का नहीं आ रहा, और है इनेबल फ्रेंड कैमियो, तो मैंने कर दिया है, आपको वापस हटा के दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मेरा बनाया हुआ है कैमियो, तो सबसे पहले आपको वापस ऊपर से ले जाना है, अपनी प्रोफाइल पे वापस से क्लिक करना है भाई, और ऊपर जो सेटिंग का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है कॉर्नर में। उसके बाद भी आपको नीचे नीचे जाना है, और आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह थोड़ा नीचे जाओगे, यहाँ पे देखिए हु कैन में आपको मिलेगा सेकंड नंबर ऑप्शन यूज़ माई कैमियो सेल्फी। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, और भाई अपने फ्रेंड्स के रखना चाहते हो, ओनली मी करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। मैंने ओनली मी कर दिया, तो ये सेट हो गया, एक काम हो गया। अब मैं आपको दूसरा काम बताता हूँ भाई, परमानेंट डिलीट कैसे करना है। तो गाइस नीचे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मेरे कैमियो सेल्फी बनाई हुई है। ठीक है, क्लियर नहीं करते हैं तो गाइस मैं किसी की चैट में चले जाता हूँ। ठीक है, जैसे फोन चला जाता हूँ स्नैपचैट की ही, स्नैपचैट का जो होता है ना उसी में जाके आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जाते हैं, ये भाई आप इमोजी वाले पे क्लिक करते हैं, आया नहीं अभी तक, क्या हुआ? देखिए गाइस कैमियोज आ चुके हैं हमारे साइड में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, मतलब कितने गंदे लगते हैं यार, मतलब इतना गंदा मैं हूँ नहीं, हाँ ठीक है गंदा हूँ लेकिन इतना भी नहीं है भाई इतना। तो गाइस इसके लिए आपको वापस से चले जाना है अपने प्रोफाइल में, और ऊपर से सेटिंग पे चले जाना है, वहाँ पे नीचे नीचे भाई सेकंड जो ऑप्शन है अकाउंट एक्शन में, उसमें सेकंड ऑप्शन है क्लियर माई कैमियो सेल्फी, इसको आपको क्लियर कर देना है। क्लियर होने के बाद भाई कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। अभी आपको प्रोफाइल में नीचे दिखाता हूँ, या देखिए यहाँ पे क्रिएट कैमियो सेल्फी नाम आ रहा है, पहले क्या आता था चेंज सेल्फी। ठीक है, कैमियो क्रिएट आ रहा है, मतलब बनाना पड़ेगा। यहाँ पे भी देख लेते हैं हम चैट में आती है या नहीं आती। ये देखिए गाइज यहाँ पे खाली हो चुके हैं, जो मतलब यहाँ पे मेरा फेस आता है वो खाली दिखा रहा है अभी, क्योंकि क्लियर हो चुके हैं कैमियोज। यूट्यूब ऐसा वीडियो नहीं था, मैंने देखा था भाई, एक था उसने भाई झूठ बोला था, मतलब ऐसा क्लियर होता नहीं है, ये तो कुछ ऐसा सिस्टम था। सो गाइज होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में अभी आ गया होगा, और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक, वीडियो पे उत्तर से कमेंट, और वीडियो को शेयर तो जरूर जरूर करना ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।